तो ये बात सारी हमने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में भी पढ़ी थी, और इससे पहले हमने डिपेंडेंसी थ्योरी में भी पढ़ी थी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में भी पढ़ी थी, कि हमारे पास ये जब ये कॉलोनियल्स जो थे इन्होंने विमेन को इतना सबमिसिव रोल में क्यों रखा, क्योंकि उनके दो एक थे, एक तो ये कि वो जिस कंट्री में कॉलोनाइजेशन कर रहे थे वहां से रॉ मटेरियल ले रहे थे, दूसरा उनका काम क्या था, चीप लेबर, ठीक है, और स्लेव्स। तो वो वुमेन को जो थे, तो अगर उनको उन्होंने घर पे ही रखा हुआ था, ठीक है, उनको इतनी अथॉरिटी नहीं दी, उनको जॉब्स नहीं दिए, ठीक है, ताकि वो रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, और उनके जो बच्चे होंगे तो फिर वो उसको एज स्लेव्स वो उसको लिए काम करेंगे, या फिर एज चीप लेबर काम करेंगे, सही है। दूसरा वो क्या कह रहे थे कि अगर हमारे पास इसमें भी एम्पावरमेंट आ गई वुमेन की भी, ठीक है, वुमेन जॉब करने लग गई, तो जो मॉडर्नाइजेशन का मॉडल था फिर उस पर तो काम शुरू हो जाएगा कि मेन और वेमेन अगर दोनों काम करना शुरू कर दें, हमने फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी के कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर इतने बड़े पोर्शन को आप जो है चंक को आप अलग कर लें डेवलपमेंट से, तो तब तो डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर वो उसमें हिस्सा लेना शुरू करेंगी तो फिर डेवलपमेंट होगी, और फिर वो पेरिफ्री को कभी भी कोर तक आने नहीं देना चाह रहे थे, सही है। तो इस वजह से ये कैपिटलिज्म के हक में था कि वो वुमेन को जो है तो वो डेवलपमेंट से अलग रखें, सही है। इसकी समझ आ गई है? जी क्लियर है। चलें, सही है। अच्छा इरफान, यहाँ भी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, बस मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करती हूँ। इस टॉपिक के बारे में अगर किसी को थोड़ा भी आइडिया है तो शेयर करें, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना करें। अच्छा, तो कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ ऑन विमेन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हम उसके इम्पैक्ट पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि हमारे पास कॉलोनियलिज्म से पहले क्या सोशल स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो प्री कॉलोनियल सोशल स्ट्रक्चर था। So the histories of pre-colonial India reveal an agrarian society in which very strict but often diverse customs developed in the multiple tribes and cases, castes. Sorry, it's not cases. Smritis, the that developed over the smritis जो है ना, ये हमारे पास हिंदू हिंदुइज्म में ये इनका जो लीगल कोड है वो सब कुछ इसमें, लॉज और वो सब कुछ इसमें है, ठीक है। So that developed over the centuries to govern marriage and family relationships were quite varied. Some giving women rights to inherit properties, for instance, while others did not. Some tribes, however, were not governed by Smriti law, and women's property rights in those communities were governed by customs, some of which were more liberal than Smriti governed laws. हमारे पास क्या था? इंडिया में कास्ट सिस्टम था, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में ब्राह्मण थे, वेद थे, फिर क्षत्रिय थे और फिर शूद्रस थे, ठीक है। ये चार कास्ट हमारे पास बिल्कुल हमें बचपन से याद है, ठीक है। जो ब्राह्मण थे तो वो टॉप पे थे, ठीक है, और उनको जो था तो रिलीजियस बुक्स और उन चीजों में उन्हीं की सुनी जाती थी, ठीक है, रिलीजियस बुक्स उनके पास होती थी, ठीक है। अगर उनके जो रिलीजियस क्लेरिक्स होते थे वो वही ब्राह्मण होते थे, ठीक है। जो शूद्र होते थे तो उनको तो खैर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं थी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्मृति का सिस्टम था ना, ये ब्राह्मण बहुत बहुत सख्ती से फॉलो करते थे, ठीक है। फिर ये जो स्मृतिज है, ठीक है, जो लॉज होते थे इनके, ये वेरी करते थे, कहीं पे वो लिबरल थे, कहीं मतलब ये यूनिफॉर्म सिस्टम इनका नहीं था, ये वेरी करते थे फ्रॉम कस्टम्स टू कस्टम्स। फॉर इंस्टेंस, एक जगह पे वो दे रहे थे हमें प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट, वुमेन को वो दे रहे थे, दूसरे इलाके में फिर वो नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो वो डिफर कर रहा था हर चीज, सही है, और उस चीज को गवर्न कौन कर रहे थे, ये चीजें, ये जो आपके कस्टम्स होते थे ना वो उसको गवर्न कर रहे होते थे। तो ये चीजें वेरी करती थी फ्रॉम रीजन टू रीजन विद इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। So some tribes, however, were not governed by Smriti law, and women's property rights in those communities were governed by customs, some of which were more liberal than Smriti governed laws. और कुछ स्मृति जो थे तो स्मृति लॉज जो थे उसको फॉलो भी नहीं कर रहे थे, बस वो अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे। The Brahminical Aryan customs that governed the upper castes of northern India were decidedly anti-women and patriarchal. Many of the customs governing the lower castes and the Dravidian regions were more liberal towards women
mainly because women engage actively in the productive labor. अपर कास्ट में हमारे पास सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की था, एंटी वुमेन था. लोअर कास्ट हमारे पास जरा लिबरल था. क्यों था? क्योंकि वुमेन जो थी तो वो आपके पास जो प्रोडक्टिव लेबर था उसमें काम कर रही थी, हिस्सा ले रही थी, तो वो उनके लिए लॉज काफी लीनियंट थे. डिवोर्स एंड री मैरिज फॉर इंस्टेंस वर प्रीवेलेंट अमंग द लिंगायत्स, कपूट्स, जट्स एंड सर्टन कास्ट अमंग मारवाड़स, नमोसूद्रास एंड बनियास. Remarriage was also permitted by all castes and tribes in the northern parts of Bihar, Odisha, Chota Nagpur and Assam, except the Brahmins, Kashtyas, Baniyas and Rajputs. ठीक है? यानी एक ही मजहब था इन सब का. Caste system बदल रहे थे, साथ में customs भी बदल रहे थे. एक जगह पे वो जो थे तो divorce और remarriage जो थी वो हो रहा था, ठीक है, दोबारा शादी कर सकते थे. दूसरे पार्ट में जो थे तो वो नहीं कर रहे थे, जिसमें मोस्टली हमारे पास जो ये अपर क्लास जो थी, अपर कास्ट, वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करी थी कि रीमैरिज और डिवोर्स का कॉन्सेप्ट उनमें नहीं था. देयर वाज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ कस्टम्स अमंग एवरी कास्ट एंड सब कास्ट एंड ओनली द अपर कास्ट वुमेन इन सर्टेन रीजन्स वर रिजिडली गवर्न्ड बाय द हेवीली पेट्रियार्कल सांस्कृतिक कस्टम्स. In the early decades of colonial rule, the following set India apart from other British colonies: a complex caste system, an agrarian society with a variety of land rights, a pluralistic religious system, a customary laws. ठीक है, अब हमारे पास दूसरी जगहों पे हमारे पास जो ब्रिटिशर्स गए तो उनके लिए वहां पे जो रूल था, ब्रिटिश रूल था, उनको वो जमाना आसान भी था. ठीक है, क्यों आसान था? क्योंकि वहां पे अगर थे तो अब योरूबा लैंड वो गए तो योरूबा में बस सारे में एक ही सिस्टम चल रहा था. ठीक है, उसको चेंज करना बहुत इजी था, बस एक ही पॉइंट को लो और उसको चेंज कर दो. लेकिन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट क्यों था? क्योंकि वहां पे मल्टीपल कास्ट सिस्टम्स थे. ठीक है, हर एक की अपनी बिलीव्स थी, हर एक जो था तो वो अपने लॉस फॉलो कर रहा था. एग्रेरियन सोसाइटी थी आपके पास जिसमें लैंड राइट्स वेरी करती थी, कहीं पे मर्दों को मिल रहे थे, कहीं पे औरतों को मिल रहे थे, कहीं पे दोनों को मिल रहे थे. फिर उसके बाद आपके पास रिलीजियस सिस्टम्स बहुत ज्यादा थे. हिंदूज थे, हिंदूज के अंदर इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज थी रिलीजन की. हर एक सेक्ट जो था वो अलग अलग बात कर रहा था, हर एक कास्ट जो था तो वो अलग अलग, हर कास्ट अलग अलग बात कर रही थी. उसके अलावा हमारे पास और रिलीजन्स भी थे वहां पे. ठीक है, इस्लाम हो गया. ठीक है, इसके अलावा बुद्धिस्ट भी थे हमारे पास, ज़ोरोस्ट्रियंस भी थे, लेकिन ज़ोरोस्ट्रियंस और उनकी तादाद हमारे पास बहुत कम थी. तो वहां पे एक मल्टी कल्चरल सिस्टम था, मल्टी रिलीजियस सिस्टम था, जहाँ पे जिसकी वजह से उनको काफी मुश्किल पहले पेश आई. ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने एक चीज को इंट्रोड्यूस करना था, योरूबा में उन्होंने क्या कर दिया कि मैन को अथॉरिटी दे दी, वुमेन को नहीं दी, तो बस वो ठीक हो गए. इसमें अब इन्होंने कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज इनको देखनी पड़ी थी, तो फिर एक एक को एड्रेस करना और फिर एक एक में पेट्रियार्की को इंट्रोड्यूस करना, कहीं पे ऑलरेडी पेट्रियार्की थी, कहीं पे नहीं थी, तो फिर वो डिफरेंट हो गया, डिफिकल्ट हो गया था. To control the pluralism, the British redefined Indian society along religious and caste lines. उन्होंने क्या किया? दो चीजों पर टारगेट किया, रिलीजन को और कास्ट्स को. ठीक है, उसके कस्टम्स को. अच्छा, ये स्मृति की थोड़ी सी डिटेल है. ठीक है, the Smriti are a body of Hindu texts usually attributed to an author traditionally written down in contrast to Shrutis, which is the Vedic literature. Considered authorless that were transmitted verbally across the generations and fixed, the Smriti is a derivative secondary work and is considered less authoritative than Vedas in Hinduism. और फिर इसमें हमारे पास ये चीजें इसमें होती हैं. ठीक है, इनकी books, इनकी जो scriptures हैं वो सारी इसमें आ रही होती हैं. तो ये आप अगर पढ़ लें तो फिर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें. अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं negative impacts of colonialism. अब अभी तक हमारे पास हो गया प्री कॉलोनाइजेशन. हमारे पास जो सोशल स्ट्रक्चर था वो हमने पढ़ लिया कि वो कैसा था. ठीक है, हर जगह पे वेरी कर रहा था. ब्रिटिश आए, ब्रिटिश को उन्होंने करना, उनका अल्टीमेट गोल क्या था कि हम इनको बहुत हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर था उसको होमोजेनस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलीजन और कस्टम्स को
और कास्ट लाइंस को उन्होंने उसको टारगेट किया, ठीक है, क्योंकि उनको अगर रिडिफाइन करते तभी हमारे पास यूनिटी इनमें आ जानी थी, यूनिफॉर्मिटी आ जानी थी, ठीक है. सो नेगेटिव हमारे पास कोलोनियलिज्म के क्या है कि फोर्स होमोजनाइजेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट हुई हमारे पास, ठीक है. अब उसके लिए क्या किया उन्होंने, हिंदुइज्म एंड इस्लामाइजेशन, दिस प्रेसिडेंस टू रिलीजियस आइडेंटिटी over the other types of community identity had a homogenizing effects for those groups that fell under Hinduism without sharing the religious laws and customs of Brahmins, but who were now subsumed under the Hindu label. The codification movement of the 1880s brought the castes and tribes that were हमारे अभी तक जितने जो codes हैं, ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड जो था वो भी हमारे पास 1816 में था, ठीक है. इस तरह हमारे पास सीआरपीसी जो है तो वो भी इसी एरा का था, ये ब्रिटिश के बनाए हुए थे, ठीक है. तो ये उस टाइम पे इन्होंने कोडिफिकेशन मूवमेंट शुरू कर दी. कोडिफिकेशन मूवमेंट क्या थी, लॉज बनाना शुरू कर दिए, लीगल कोड्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी आपके पास हिंदू मजहब को फॉलो करने वाले थे ना, चाहे वो जितने भी कास्ट हो, जितने भी कस्टम्स हो, बस सबको एक लेबल ले लिया कि ये हिंदूज हैं. जितने भी मुस्लिम्स थे बस उनको लेबल ले लिया कि ये मुस्लिम्स हैं. और अब हिंदूज के लिए एक स्पेसिफिक एक ही सेट ऑफ रूल्स बना दिया, रेगुलेशंस बना दिया कि इसको आपने फॉलो करना है. हर कास्ट ने, हर बंदे ने जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है उसने ये फॉलो करना है, ठीक है. और वुमेन वो इस मुस्लिम्स के लिए अलग कर दिया, ठीक है, मतलब उनके लिए भी बना दिया कि मुस्लिम्स हैं तो बस अब सब पे इस्लाम लागू होगा, ठीक है. उसके लिए क्या किया, हिंदुइज्म के लिए उन्होंने रिलीजियस क्लेरिक्स को का सहारा लिया कि उनके थ्रू उसने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट करना शुरू करवाया, ठीक है. मुस्लिम्स के लिए क्या किया कि जो मुस्लिम क्लेरिक्स थे उनसे करवाना शुरू कर दिया. अब वो जो क्लेरिक्स हमारे पास थे दोनों साइड्स पे वो रेडिकल थे, ठीक है, और वो पेट्रियार्की के सपोर्टर्स थे, तो उस वजह से हमारे पास पेट्रियार्की आना शुरू हुई. उसका हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि जिन एरियाज में मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसकी, हम आगे पढ़ेंगे भी कि फॉर एग्जांपल सती की जो रस्म है, ठीक है, सती में क्या होता है कि जो बेवा होती है तो वो अपने शौहर के, जब उसका शौहर मरता है उसको जलाते हैं ना उसकी डेड बॉडी को, तो उसके साथ वो खुद भी जल जाती थी, ठीक है, ये सती की रस्म होती थी. तो ये जो थी इसमें इसके पीछे लॉजिक क्या थी कि हमारे पास स्मृतिज में ये था कि अगर एक औरत का शौहर मर जाए तो जो उसके शौहर की जितनी भी जायदाद होती है वो उस औरत को मिलती है, सही है. अगर तो वो औरत ना हो तो फिर उसके बहन भाई या जो नेक्स्ट इन द किन होगा उसको मिल जाएगी, बहन नहीं भाइयों को, ठीक है, उसको मिल जाएगी. तो जो ब्राह्मण्स थे, अब हमने कहा कि स्मृति के तो जो रूल्स थे तो वो थे, ठीक है, लेकिन हर कस्टम्स वाले उसको अपनी हर कस्टम वाले अपने मुताबिक उसको चेंज कर रहे होते थे या फिर उसको फॉलो ही नहीं करते थे. तो कुछ जगह ऐसी थी जहां पे उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है वो सती जो है तो उसको हम ठीक है उसको मिल सकता है, सॉरी बेवा को जो है तो अपने शौहर की जो जायदाद है वो मिल सकती है. लेकिन जो आपके ब्राह्मण्स थे जो कि वुमेन हेटिंग थे और जो कि पेट्रियार्कल माइंडसेट के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर एक औरत का शौहर मर जाए तो उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसको भी उसके साथ मर जाना चाहिए. तो जब उसके शौहर को जलाया जाएगा तो साथ में वो खुद को भी जला दे, ठीक है. इसके पीछे उनका मकसद क्या था कि जो प्रॉपर्टी जो रह जाती थी ना शौहर से कि वो उस औरत को ना मिले और वो जो नेक्स्ट इन द किन है उसको मिल जाए, उसके भाई को या उसके कजिन को या जिसको भी, ठीक है. लेकिन जब हमारे पास ये और फिर रीमैरिज का कॉन्सेप्ट भी उस ब्राह्मण सोसाइटी में नहीं था, ठीक है, लेकिन जो आपके पास जो बाकी सोसाइटीज हैं जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि ओडिशा और उस साइड पे हमारे पास फिर वो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट था, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता था कि ये ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बना दिया कि अगर कोई औरत दोबारा शादी करना चाह रही है, जैसे कि ब्राह्मण उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो तब अगर वो शादी इस शर्त पे कर ले कि जो उसके पास जायदाद रह गई है वो अपने शौहर के भाइयों को दे दे, ठीक है, जब वो दे देगी तो उसके बाद वो शादी कर सकती है. लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि उसी सोसाइटी में कुछ लोग तो ऐसे भी थे ना जो कि
बगैर इस शर्त के भी उसको दोबारा शादी की इजाजत दे रहे थे, मतलब वो लैंड को भी ओन कर सकती थी, प्रॉपर्टी को भी ओन कर सकती थी और शादी भी कर सकती थी, ठीक है। लेकिन जब आपने एक लॉ बना दिया कि नहीं उसने शादी करनी है तो बस वो लैंड देगी, आप जो प्रॉपर्टी है शौहर की, वो मरे हुए शौहर की प्रॉपर्टी उसके कजन्स को देगी, तो फिर तो आपने ये जो है तो सबके ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा था उनको आपने नुकसान करवा दिया उल्टा। समझ आ गई इस चीज की? यस ठीक है, तो कोडिफिकेशन मूवमेंट स्टार्ट होगी हमारे पास, ठीक है। हिंदू जो थे तो हिंदू लॉ बना दिया, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ बना दिया, वो क्लेरिक्स उसको वो करते थे, ठीक है। उसके जो नेटिव एलीट्स थे, एलीट्स जो उनके थे वही क्लेरिक्स थे जो कि उसको उसके लिए लॉज बनाते थे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी तो वो गवर्नमेंट करती थी। अच्छा, अब इसकी वजह से हमारे पास यूनिफिकेशन हो गई, ठीक है। द यूनिफिकेशन एंड रिफॉर्म ऑफ लॉ ड्यूरिंग दिस टाइम वाज आर्ग्युएबली अ रिजल्ट ऑफ द नेगोशिएशंस ऑफ द कॉलोनियलिस्ट विद द नेटिव एलीट्स एट द टाइम व्हेन न्यू सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर बीइंग इंप्लीमेंटेड, दीज एलीट्स वांटेड टू सिक्योर फॉर देमसेल्व्स द न्यूली अवेलेबल रिसोर्सेज। कंजर्वेटिव मुस्लिम एंड हिंदू लीडर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द British willingness to cede the authority in private and family relationships and power struggles to define the contours of Hindu and Muslim law often resulted in weakening the customary rights and pluralistic tendencies. As English family law was imported from through legislation as well as through judicial procedures and professional training of lawyers and judges in England, disparities between Hindu and English family law were highlighted. The second half of the 19th century therefore became a battleground to remold the Indian family law within a Western model. क्या हुआ यहाँ पे कि आपने अगर ऐसे मूवीज देखी हो, अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीजन भी है A Suitable Boy, ठीक है, अगर किसी ने देखा हो तो उसमें उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, वो बहुत ही ब्रिटिशर्स की तरह का लाइफस्टाइल होता है, जो कि एलीट्स होते हैं, जो कि उनका एजुकेटेड तबका होता है, ठीक है, उनका रहने सहने का रहन सहन जो होता है, खाना पीना, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके सेलिब्रेशंस का तरीका, फेस्टिविटीज का तरीका, सारा उनका बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह होता था, ठीक है। ये सिस्टम उनके पास इंग्लिश फैमिली लॉ जो था, तो एक तो ये आ गया कि आपके पास लेजिस्लेशन होगी उसकी, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीजर्स हो गए। दूसरा ये था कि आपके पास यहाँ से लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए बाहर जा रहे थे, वो वहां से वो चीज अडॉप्ट कर रहे थे और यहाँ ला रहे थे, लेकिन फिर भी वहां पे कम्प्लीटली आपके पास इंग्लिश फैमिली सिस्टम जो वो था वो नहीं आ सका, ठीक है। तो उन्होंने जो वो वेस्टर्न मॉडल था वो वहां पे इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता था, विच वॉज हाईलाइटेड एट वेरियस इंस्टेंसेस। तो 19th century, सेकेंड हाफ ऑफ 19th century में क्या हुआ कि उन्होंने देख लिया कि हमारे पास जो हिंदू और इंग्लिश फैमिली लॉ है वो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे कि उन्होंने क्या किया कि हम क्या कर सकते हैं कि हम वेस्टर्न मॉडल के अंदर हम इंडियन फैमिली लॉ को थोड़ा सा मोल्ड करके डाल दें, कि उसको हम उसी एग्जिस्टेंट इंडियन फैमिली लॉ को मोल्ड करके किस चीज के मोल्ड में, वेस्टर्न मॉडल के मोल्ड में आपने मोल्ड कर दिया और आप ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें। The supposed barbaric state of Indian family law, however, was in large part a product of the colonial attempts to codify and canonize private family relations and customs. इनका कहना ये था कि जो आपके पास पहले इन्होंने खुद जो है तो radical लोगों से help ली और वो चीजें implement की, ठीक है, जब उसमें patriarchy का system आ गया, उसमें जो थे rigidity आ गई उन चीजों में, तो फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो आपके पास इंडियन फैमिली लॉ है ना ये बारबैरिक है, ठीक है, जो आपके पास कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ही बारबैरिक है, इनको चेंज करना पड़ेगा। खुद ही ये काम किया, फिर खुद ही कहने लगे कि ये बारबैरिक है, और फिर जब उनको चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारा जो ये मॉडल है इसके अंदर हम आपको मोल्ड कर देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। Many supposed settled infallible principles of Hindu and Muslim family law were actually recent constructs that arose out of English translations of certain religious texts made more patriarchal through concessions to native elites and religious authorities in the 18th and 19th centuries. ये वही बात है जो मैंने बताई।
अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल इश्यूज कंसर्निंग पर्सनल मैटर्स वर डीम्ड टू बी रिलीजियस रादर देन कस्टमरी, सैंक्शनिंग द यूज ऑफ स्क्रिप्चुरल एंड टेक्सचुअल अथॉरिटीज रादर देन द सिचुएशनल और प्रैक्टिकल अथॉरिटीज. The British wanted to bring Western enlightenment to the native Indian family by abolishing child marriages, sati, the prohibition of the remarriage of widows, parda, and similar patriarchal customs that oppressed women. And while ye to khair bahut sarcastic statement, it seems the British in truly British fashion had set themselves the noble task of reforming the barbaric Indian male, a fictional character that they had in large part created. Ab इन्होंने होमोजेनाइजेशन कर ली उसकी, ठीक है. अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो आपके पास पहले खुद ही वो रेडिकल थॉट्स उन्होंने फीड करा, ठीक है, पेट्रियार्की को मजबूत किया, फिर कहने लगे कि जो मर्द हैं ये बहुत ही सख्त हैं और इंडियन वुमेन की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है. गैरी, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब वुमेन की जो है तो जिंदगी बड़ी सख्त हो गई है, अब हमने इनके लिए रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है. तो फिर हमारे पास आ जाती हैं ब्रिटिश फेमिनिस्ट्स. ब्रिटिश फेमिनिस्ट आई और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हमारी इंडियन सिस्टर्स हैं तो वो बेचारी बहुत ही सप्रेस्ड हैं और इनकी हालत बहुत बुरी है, अब हमने इनके लिए काम करना है, सही है. सो द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट वर नॉट एन एंटायरली मेल स्पीशीज. द इमेजरी ऑफ द सिविलाइजिंग मिशन स्पेशली एज इट पर्टेन टू द रिलीविंग इंडियन वुमेन ऑफ द हॉरर्स ऑफ द सब्जुगेटेड स्टेट was profoundly attractive to British women who felt that they had some greater authority to speak on behalf of their Indian sisters than British men. ठीक है, इन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा काम है कि अब हम इनके लिए काम करेंगे, ब्रिटिश फेमिनिस्ट ने कहना शुरू कर दिया. ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 19th century की बात हो रही है, जब हमारे पास सफ्रेजिस्ट मूवमेंट्स भी शुरू हुई थी. ठीक है, उन्होंने कहा कि इनके पास बिल्कुल ही कोई राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो उन्होंने क्या शुरू कर, असल में इनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट थे इसमें. अपना इंटरेस्ट उनका क्या था, इनका कहना ये था कि आप हमें राइट टू वोट दो, ठीक है, ताकि हम अपने, ताकि हम ऐसे लीडर्स को चूज कर सकें, हमारे पास अथॉरिटी आ जाए जो कि हमारी इंडियन सिस्टर्स जो है तो उनके लिए फिर हेल्प कर सकें, सही है. और इनका असल में मकसद ये था कि वो अपने एम्पावरमेंट चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज इसको बना दिया था. ये यहाँ पे एक कोटेशन है, मिडिल क्लास ब्रिटिश फेमिनिस्ट इनवोक इमेजेस ऑफ इंडियन वुमेन एज विक्टिम्स अवेटिंग रिड्रेस एट द हैंड्स ऑफ इंपीरियल सेवियर्स इन ऑर्डर टू फर्दर देयर ओन क्लेम्स फॉर सफरेज एंड पॉलिटिकल राइट्स. There was a complex relationship between the British feminist belief about their Christian duty to rescue their downtrodden Indian sisters and their self-interested motives in depicting Indian women as downtrodden to legitimize their own authority to speak at home. सही है? ये लोग क्या करते थे? British feminists क्या करती थी? ये कहती थी कि जो Victorian ideals हैं, ठीक है, Victorian principles हैं, Victorian customs हैं, तो उसके मुताबिक इंडियन वुमेन को खुद को एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है. और असल में खुद वो चीजें ये लोग नहीं कर रहे थे, बस वो प्रिस्क्राइब कर रहे थे इंडियन वुमेन को, लेकिन खुद वो चीज नहीं कर रहे थे, खुद ये लोग रिबेल्स थे, ठीक है. इनका इसमें इंटरेस्ट क्या था, इनका फायदा इसमें क्या था, वो ये था कि इनको जो है अगर राइट टू वोट मिलेगा तो इनकी एम्पावरमेंट होगी, ठीक है. उसकी वजह से एक और चीज इनमें हुई, इन्होंने ये मिशन बना दिया कि हमने जो है तो वुमेन की हेल्प करनी है, इंडिया में उनकी हालत बहुत खराब है, हमने जाना है, ठीक है. उनको जॉब्स मिलना शुरू हुई इंडिया में, ठीक है. वो इंग्लैंड से जाती थी इंडिया इस एजेंडा के साथ कि हमने जाना है और हमने उनकी हेल्प करनी है, ठीक है. लेकिन उसमें उनको क्या मिलता था, उनको ही फायदा होता था, क्योंकि इंडियन वुमेन का तो उन्होंने कुछ करना था नहीं, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे. तो उनको कहते थे कि आप विक्टोरियन आइडियल्स को फॉलो करें, खुद नहीं कर रही थी. तो उसकी वजह से अल्टीमेटली उन्हीं को फायदा हो रहा था, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश वुमेन को, वाइट वुमेन को, कि उनको सफरेज राइट्स भी मिल रहे थे, ठीक है, उनको जॉब्स भी मिल रही थी और कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है. सो द ब्रिटिश फेमिनिस्ट आइडेंटिफाइड देमसेल्फ विद द कॉज ऑफ इंडियन वुमेन एंड द सिविलाइजिंग मिशंस ऑफ द एम्पायर डिप्लॉइंग नेशनलिस्ट एंड इंपीरियलिस्ट रेटरिक टू बोल्स्टर देयर एक्टिविस्ट रोल्स विद इन इंग्लैंड. The essence of the white feminist burden was that the votes for women would
इनेबल ब्रिटिश वुमेन टू रिलीव इंडियन वुमेन सफरिंग एंड अपलिफ्ट देयर कंडीशंस. या हम हमें राइट टू वोट दो तो हम इनके मसले खत्म कर देंगे. Any efforts to understand the legal reform in India must take into account the complex relationship between the following, which was being played out in a kind of complicated 4D chess game. हमारे पास तीन चीजें हो रही थी, तीन लोग, ठीक है. एक आपके पास थी मेल कॉलोनियल अथॉरिटीज, जो आपके पास ब्रिटिशर्स थे, और नेटिव इलीट्स, जो आपके पास हिंदू और मुस्लिम जो आपके पास इलीट्स थे, जिसमें मेनली हमारे पास रिलीजियस क्लरिक्स थे, ठीक है, जिनकी हेल्प से उन्होंने वहां पे कल्चर्स और कल्चर को और रिलीजियस को टारगेट किया था. सेकेंड हमारे पास क्या था, मेल कॉलोनियल अथॉरिटीज थी और ब्रिटिश फेमिनिस्ट थी, ठीक है. और थर्ड हमारे पास नेटिव इलीट्स और ब्रिटिश फेमिनिस्ट थी. ये तीन ग्रुप्स थे, ठीक है. तीनों की आपस में इंटरेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की थी, ठीक है. और एक भी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता तो सब कुछ चेंज हो जाता था, ठीक है. देयर वाज डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स दैट वाज वी सी प्लेड आउट इन अ वैरायटी ऑफ लॉ रिफॉर्म्स. एक तो बहुत ही नाजुक किस्म का बैलेंस था, ठीक है. अगर इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती तो बहुत ही मसले हो जाते, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, ये तीन ग्रुप्स बने, इन तीनों ने आपस में जो है तो म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इन्होंने लॉज बनाए, ठीक है, जिसमें कॉलोनियल जो थे तो उनकी भी मर्जी शामिल थी, जो फेमिनिस्ट थी ब्रिटिश उनकी भी मर्जी शामिल थी, जो आपके पास नेटिव एलिट्स थे उनकी भी मर्जी शामिल थी. तो म्यूचुअल कंसेंसस से उन्होंने लॉज बनाए, जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स किए, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे लेकिन फिर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे, ठीक है. इन्होंने क्या कहा कि वुमेन शुड नॉट बी सेक्स स्लेव्स लॉक्ड अप इन हरम्स, नॉर शुड दे बी चाइल्ड ब्राइड्स एट 10 एंड विडोज एट 14, एक्सपेक्टेड टू थ्रो देमसेल्व्स ऑन देयर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर. दे शुड इंस्टेड बी रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास इंग्लिश वाइव्स डेडिकेटेड टू देयर फैमिलीज, रनिंग देयर होम्स एंड गार्डिंग देयर चेस्टिटी एट ऑल कॉस्ट्स, ठीक है. इन्होंने कहा कि क्योंकि वहां पे उस टाइम पे चाइल्ड ब्राइड्स थी हमारे पास, चाइल्ड मैरिजेस थी, विच वॉज वेरी कॉमन इन इंडिया, अभी भी हमारे पास बहुत ही कॉमन है सब कॉन्टिनेंट में. तो 10 साल की होती थी और उनकी शादियां हो जाती थी, और कहते थे कि 14 पे ये विडो हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि बस ये मर जाए अपने शोहर के साथ. तो ये नहीं होना चाहिए, इनको एक रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास इंग्लिश वाइफ की तरह इनको जिंदगी मिलनी चाहिए, जहाँ पे ये अपनी मर्जी से अपना घर चला सके, ठीक है. और इसमें तीनों एस्पेक्ट्स उसके शामिल हो गए कि उनको जो है तो घर, एक तो ये हो गया कि घर चला सकें, ठीक है, जो कि उसका पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से उसमें आ गया, मतलब जॉब वॉब नहीं करनी, उन्होंने अपने घर ही चलाने, घर में ही रहने से ही है, फैमिलीज अपनी बनानी है. दूसरा उनके पास है कि गार्डिंग देयर चैस्टिटी एट ऑल कॉस्ट्स, जो आपके पास रिलीजियस क्लेरिक्स उस चीज को बहुत ही उसके ऊपर जोर दे रहे थे कि चैस्टिटी को गार्ड करना है किसी भी तरीके से, तो वो चीज भी इसमें आ गई, सही है. अच्छा, अब कॉलोनियल सप्रेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, अब ये इंटरेस्टिंग है. इसमें बेगम हजरत महल है, ठीक है, नवाब, लास्ट नवाब ऑफ अवध जो था उनका नाम था वाजिद अली शाह, उनकी ये दूसरी बीवी थी, ठीक है, बेगम हजरत महल. और इन्होंने क्या किया था, शी रिबेल्ड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स इंट्रूसिव डिजाइन ऑफ डोमिनेशन. इट वाज हर बैंड ऑफ सर्वाइवर्स व्हिच इंक्लूडेड राज जलाल सिंह एंड लेटर द मौलवी ऑफ फैजाबाद. आफ्टर हर हस्बैंड हैड बीन एग्जाइल्ड टू कैलकटा, शी टुक चार्ज ऑफ द अफेयर्स इन द स्टेट ऑफ अवध एंड कैप्चर्ड लखनऊ ऑन ग्राउंड्स दैट ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कैजुअली डिमोलिश टेम्पल्स एंड मॉस्क जस्ट टू मेक वे फॉर रूल्स. शी ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी ऑफ वुमेन एंड प्लेस्ड उदा देवी एज इट्स कमांडर. She actively took part in the revolt of 1857 against the doctrine of lapse under which the Dalhousie wanted her to surrender Lucknow. She gave stiff resistance, but after the fall of Lucknow, she escaped to Nepal. ठीक है, ये she was the second wife of the Nawab, last Nawab of Awadh. जब
जो वाजिद अली शाह थे, ठीक है, जब उनको एग्जाइल कर दिया गया, वो कलकत्ता चले गए, तो अवध का सारा सिस्टम इन्होंने संभाल लिया, ठीक है, और लखनऊ को भी कैप्चर कर लिया. लखनऊ में जो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेम्पल्स और मस्जिद जो थे उनको उसने डिमोलिश किया हुआ था, ठीक है, तो क्यों, ताकि वहां पे रोड्स बन सके, कम्युनिकेशन सिस्टम उनका अच्छा हो सके, ठीक है. उसने क्या किया कि हजरत बेगम हजरत महल ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को अगेंस्ट उसने बातें शुरू कर दी, ठीक है, उसको टफ रेजिस्टेंस शो की, ठीक है. लेकिन अल्टीम उसने पूरा इसके पास पूरा ग्रुप था इसका, ठीक है, लेकिन इसने 1857 की जंग आजादी में भी बड़ा काम किया था, ठीक है, और लेकिन अल्टीमेटली शी हैड टू गिव अप, क्योंकि लखनऊ जो था तो वो चला गया उसके हाथ से, फिर वो नेपाल चली गई. अब उसके बाद क्या हुआ, शी वॉज इसने बहुत ही ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसने बहुत ही ऐसे स्पीचेस और इसकी ऐसे कोटेशंस हैं जो कि ब्रिटिशर्स को बड़ी नागवार गुजरी थी, ठीक है. उसमें से एक उसकी ये भी है, इन अ प्रोक्लेमेशन इशूड ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ द रिवॉल्ट शी मॉक्ड द ब्रिटिश क्लेम टू अलाउ फ्रीडम ऑफ वर्शिप. She says to eat pigs and drink wine, to bite greased cartridges and to mix pigs fat with sweetmeats, to destroy Hindu and Muslim temples on pretense of making roads, to build churches, to send clergymen into the streets to preach the Christian religion, to institute English schools and pay people a month